नमस्ते प्रणाम हर महादेव। खेसारी लाल यादव फिर से ट्रेंडिंग में और आज फिर से पवन भैया पेंडिंग में। आप लोगों को बता दें खेसारी लाल यादव का दो होली गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, म्यूजिक ट्रेंडिंग में, और पवन सिंह का जो गाना है भाई वो पेंडिंग में चल रहा है। आप लोगों का भैया क्या राय प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को बता दे भैया यदि गाना में आप पेड प्रमोशन करते हैं ना व्यू को भगाने के लिए, व्यू तो भाग जाएगा क्योंकि आप कंपनी वाले को पैसा दे रहे हैं और उसके बदले में कंपनी जो है आपको व्यू दे रही है, लेकिन ट्रेंडिंग में लाने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है, उसमें जनता प्रमोशन का मतलब चाहिए प्यार। खेसारी लाल यादव का जो गाना है भैया 2 रुपया वाला ट्रेंडिंग में है, उसके बाद खेसारी लाल यादव का काजल बदल के लिए भी गाना म्यूजिक ट्रेंडिंग में है। दोनों गाने म्यूजिक ट्रेंडिंग में, जाके देखिए, उसके बाद आप यूट्यूब पे भौंका कीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा पवन भैया का व्यू देख करके सब घबरा गए हैं। कोई नहीं घबराया है पटना और कोई घबराया नहीं है। अब खेसारी लाल यादव के गाने में हेड लग जाएगा ना तो तुम्हारा स्टार का क्या होगा वो सोचो, समझा ना। लेकिन खेसारी लाल यादव के गाने में भैया हेड वाला हिसाब नहीं है। अब हम भोजपुरी वाला जो चैनल है वो सभी कलाकारों के गाने में हेड लगाता, तो खेसारी भैया के गाने में हेड लगा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि गाने में एड लगाया ना तो जिस तरह का व्यू गया उस तरह का लाइक भी मिला है, लेकिन तुम्हारा स्टार का जिस तरह व्यू गया उस तरह का लाइक मिला है क्या? नहीं मिला है। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा आप ही बताइए कमेंट करके भैया। गाने में पेड प्रमोशन लगा करके जन्ने तन्ने मतलब जबरदस्ती दूसरों तक गाना पहुंचाना और जबरदस्ती उसमें क्लिक होना और जबरदस्ती व्यू आना और जबरदस्ती अपना स्टार का इज्जत ढकना, इसको नहीं कहते हैं भैया, इसको रिकॉर्ड में कहते हैं। गाने में पैसा लगा लीजिएगा, गाने को पेड प्रमोशन कर लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा देखिए हमारा बाप का इतना जबरदस्त रिकॉर्ड ये वो, तो उस तरह का स्टार का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव का 4 मिलियन व्यू गया लेकिन गाना जो है भैया म्यूजिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको ना कहते हैं रिकॉर्ड जी। आप ही लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो पवन भैया से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, लेकिन जो बात हकीकत है भैया और जो जबरदस्ती कुत्ते भौंकते हैं ना भैया, मतलब क्या बोलिए, लोग इस तरह बात बोलता है तो ऊपर से नीचे झरक जाता है, और जब झरक जाता तो लोग झरकाने के लिए वीडियो बना देते हैं। खेसारी लाल यादव गाना जबरदस्त ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो जाके देख लीजिए। आप YouTube में जाइएगा, YouTube में ट्रेंडिंग में जाइएगा, वहीं पे देखिएगा भैया ट्रेंडिंग म्यूजिक लिखा हुआ रहता है, तो म्यूजिक में क्लिक कीजिएगा तो वो गाना 7 नंबर पे, वो गाना 8 नंबर में ट्रेंडिंग कर रहा है, जिस गाने का नाम है भैया 2 रुपया काजल बदल गई। तो आप लोगों का भैया क्या राय प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।